दुख से शैया हुई दिव्या सेवा कर रही है। माता जी को मणियों की पिटारे की तरह है जिसमें वीर कुमार सुख से विराजमान। देवियां तरह तरह से माता को प्रसन्न करती हैं। देवियां अनेक प्रकार से माता के साथ प्रश्न चर्चा भी करती थीं और माता सहज बुद्धि से ऐसे सुंदर उत्तर देती थीं मानो उनके उदर में विद्यमान तीर्थंकर ही बोल रहे हों। कैसे सुंदर थे वे प्रश्न उत्तर, चलिए सुनते हैं। हे माता, जगत में उत्तम रत्न कौन सा है? सम्यक दर्शन रत्न जगत में उत्तम है। हे माता, जगत में बहरा कौन है? जो जिन वचन को नहीं सुनता वह बहरा है। हे माता, शीघ्र करने योग कार्य कौन सा है? मोह का त्याग और मोक्ष की साधना ही शीघ्र करने योग्य कार्य है। हे माता, जगत में कौन स्त्री उत्तम है? जो तीर्थंकर समान पुत्र को जन्म दे और जो सम्यक दर्शन प्राप्त करके स्त्री पर्याय का छेद करे वही स्त्री उत्तम है। हे माता, जगत में कौन सा कार्य उत्तम है? हमारी आत्मा का ध्यान ही जगत में उत्तम कार्य है। माता, वीर कौन है? जो वीतरागता धारण करे वह वीर है। हे माता, आत्मा का लक्षण क्या है? चैतन्य भाव ही आत्मा का लक्षण है। हे माता, धर्मी का चिन्ह क्या है? शांत भाव रूप ज्ञान चेतना ही धर्मी का चिन्ह है। हे माता, पापी कौन है? जो देव गुरु धर्म की निंदा करे वह पापी है। हे माता, मुमुक्षु कौन है? जो मोक्ष का ही उद्यम करे वह मुमुक्षु है। हे माता, आपके समाधान से मन प्रसन्न हो गया। हे माता, आपका चेहरा तो चंद्रमा की शीतल चांदनी जैसे दमक रहा है। क्यों ना हो, माता के गर्भ में तीन लोक के नाजो हैं। माता, मैंने सुना है कि मनुष्य लोक में जब कोई स्त्री शिशु को जन्म देने वाली होती है तो वह पीड़ा का अनुभव करती है और उसके शरीर की कांति फीकी पड़ जाती है। हाँ देवी, आप सही कह रही हैं। माता, आपके गर्भ में भी तो एक बालक है, पर आप तो सूर्य की भांति चमक रही हैं और ना ही कोई पीड़ा का अनुभव कर रही हैं। देवी, ये किसी साधारण बालक की माँ नहीं बन रही है, 24वें तीर्थंकर की माँ बनने जा रही है, इसलिए पीड़ा के स्थान पर सुख का अनुभव कर रही है। हे माता, मैंने सुना है आपका गर्भ रत्नों की पेटी के समान हो जाता है। हाँ देवी, इस समय मेरा गर्भ एक रत्नों के जिनालय तुल्य है जिसमें तीन लोक के नाथ बालक स्वरूप विराजमान है। माता, फिर तो आपके समान भाग्यवान को माता नहीं होगी। हाँ देवी, सही कहा आपने। ऐसे भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्नोत्तर और धर्म चर्चा द्वारा आनंदमय उत्तम भावना भाते भाते 9.25 मास आनंद पूर्वक व्यतीत हो गए और तीर्थंकर के अवतार की धन्य घड़ी आ पहुंची।
तालियां बजाकर बच्चों का उत्साह वर्धन कर सकते हैं। बहुत बढ़िया। हेलो हेलो हेलो, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, तुम्हें आ रे आओ गुण गौरी गाओ चेतन रसिया आनंद रसिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, तुम आओ रे आओ गुण गाओ रे गाओ चेतन रसिया आनंद रसिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे आओ। अचंभा होता है क्यों अपने से अनजान रे, परियायों के पार देख ले आप स्वयं भगवान रे, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, तुम आओ रे आओ गुण गाओ रे गाओ चेतन रसिया आनंद रसिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे आओ। ज्ञान हूँ मैं ध्याता मैं ध्येय रे, ज्ञान ध्येय में लीन हो, ज्ञान ध्येय में लीन हो निज ही निज का ज्ञेय रे, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, आओ रे ज्ञानानंद की डगरिया, तुम आओ गुण गाओ चेतन रसिया आनंद रसिया, आओ। तीर्थंकर के गर्भ में आने के 6 मास पूर्व से ही देवों द्वारा रत्नों की वर्षा होती है। यह वर्षा जब तक तीर्थंकर का जन्म नहीं हो जाता तब तक सतत होती रहती है। इस तरह कुल 15 मास तक रत्नों की वर्षा का होना तीर्थंकर के पुण्योदयवश होता है। तीर्थंकर की माता को किसी प्रकार का कष्ट नहीं हो इसलिए 56 कुमारी देवियां माता की सेवा करती हैं और बालक का जन्म होते ही तीनों लोक आश्चर्यकारी आनंद से खलबला उठते हैं। तभी स्वर्गलोक में क्या होता है आइए देखते हैं।
कहिए कुबेर जी, कुंडलपुर जी की व्यवस्था कैसे चल रही है? हे देव, आपके कहे अनुसार भगवान के घर में आने के 6 मास पहले से ही हमने नगरी में रत्नों की वर्षा शुरू करवा दी है और देव्या माता की सेवा कर रही है। पूरी कुंडलपुर नगरी को स्वर्ग की भांति सजा दिया है। अब वहाँ कोई दरिद्र नहीं है। सभी जन भगवान के आगमन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। बहुत सुंदर कुबेर जी, अब किसी भी समय तीर्थंकर का जन्म हो सकता है। हे देव, बालक को गर्भगृह से लाने का काम मेरा होगा, इसी बहाने भगवान को छूने का सौभाग्य प्राप्त होगा। हे प्रभु, ये भरत क्षेत्र के कौन से तीर्थंकर होंगे? ये भरत क्षेत्र के अंतिम 24वें तीर्थंकर महावीर स्वामी होंगे। हे देव, क्या इस अवसर पनीर कार में सभी तीर्थंकर विवाह नहीं करेंगे? हाँ देव, इस काल में 5 तीर्थंकर बाल ब्रह्मचारी होंगे। 12वें वासुपूज जी, 19वें मल्लीनाथ जी, 22वें नेमिनाथ जी, 23वें पाशनाथ जी और 24वें महावीर स्वामी जी। इस तरह चर्चा करते हुए बहुत काल व्यतीत हो जाने पर अचानक एक दिन इंद्र का आसन कंपायमान हुआ। तरह तरह के वाद्य यंत्र बजने लगे। मुझ पराक्रमी इंद्र के आसन को कंपित करने वाले किस मूर्ख ने यह आसन कंपायमान किया है? मैं तीनों लोकों में तीर्थंकर प्रभु के सिवाय किसी दूसरे को ऐसे प्रभाव से युक्त नहीं समझता हूँ। मैं अभी पता लगाता हूँ। जय हो, जय हो। जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र में कुंडलपुर नगरी में वीर प्रभु का जन्म हुआ है। बधाई हो सबको, बधाई हो। मंगल उत्सव किया जाए। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। हे देव, इस शुभ समाचार को सुनकर मेरा मन हर्षित होकर नृत्य करने को कर रहा है। आओ देवी, हम तीर्थंकर के जन्म की खुशी नृत्य करके मनाते हैं।
नारी ऐसे हर साए, झूमे आज नर नारी ऐसे हर साए, मारो तन मन व प्रभु के गुण गाए, मारो तन मन व प्रभु के गुण गाए, रंग लगो रंग लगो रंग लागो थारी भक्ति में मारो प्रभु रंग लागो, जन्म कल्याणक दिन आयो, दिन आयो दिन आयो दिन आयो आज जन्म कल्याणक दिन आयो, भक्ति में मारो प्रभु रंग लागो, रंग लागो रंग लागो रंग लागो हरि भक्ति में मारो प्रभु रंग लागो, दिन आयो दिन आयो आज जन्म कल्याणक दिन आयो, दिन आयो दिन आयो आज जन्म कल्याणक दिन आयो, कुबेर जी जाइए और कुंडलपुर में जाकर रत्नों की वर्षा कीजिए, हम सब भी वहीं आ रहे हैं। जी महाराज, मैं अभी जाकर जन अभिषेक की सभी तैयारियां करता हूँ, किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होगी, आप निश्चिंत रहिए। इंद्र इंद्राणी एरावत हाथी पर बैठकर वैशाली नगर के कुंडलपुर ग्राम की ओर प्रस्थान करते हैं, साथ में अन्य देव भी जाते हैं। चलिए अब हम आपको कुंडलपुर नगरी में ले चलते हैं।